जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ओ भाई हम पहुंच गए, वेरी गुड, हम भी पहुंच गए, अभी पहुंच गए, आप तो मेरे से पहले पहुंच गए, आप आगे वाले सीट में बैठे। बारे चावल आर पकिस्तान की शेयर है भाई, पकिस्तान की सीट दस्पांच थी, सीट बनने शोर है ना, ओबर दादी बेलन बराबर है ना, तेरे दूरी दे, तेरे पकिस्तान को बलियाड़ा जी ना, तेरे बलियाड़ा जागा पर फाजोर रही, तेरे को बलियाड़ा जी ना, ओबर पर फुल जैक्शन है, ओबर दादी उठिया बनवा, दीदी बहन कमा, तेरे कहा किस्ती कलर दार उतो बरा, बल ड्राइवर खबर भाई ये देखो अनजीत और हम ऑटो फाउंडेशन की तरफ सही हुए और ये हमारा पहला टूर है। ये भाई हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा ग्रुप जाएगा। ओ ब्रेक, ये पहली बार देख रहा हूँ किश्ती में ब्रेक भी होता है। देखो हम लोगों ने कहा था, प्रिकॉशन दिए थे कि किश्ती को हिलाना नहीं है, लेकिन ये नॉन सीरियस लोग देखो ना, जैकेट पहने हुए, लाइफ जैकेट भी नहीं पहने हुए और किश्ती को भी हिला रहे हैं। आप लोग देख अभी देखो किश्ती में ब्रेक भी होता है, मैंने पहले नहीं देखा था। कैसा रहा आप लोगों का सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आप बताओ यार, बहुत अच्छा रहा और बहुत नया सफर था, लेकिन छोटा सा था। पैसे दिए आपने? अच्छा, 100 रुपए में आज एक पापड़ भी नहीं होता, आप कह रहे मजा नहीं है, इतना बड़ा राउंड दिया है। देखो भाई लोग, ये कुटा में एक और नया ट्रैक्टर वाला किश्ती आया हुआ है, ये पहली बार हमने मुल्तान में देखा था, झील पार्क में। ये हमारा टूरिस्ट गाइड है, हमें गाइड करवा रहे कि कहाँ से आने और के उसमें है, अंडर में है, तो उस साइड हम लोग हलाव भी नहीं है और यही से हम लोग टर्न करेंगे। और पहले जब बहुत पहले टाइम वहाँ पे किश्ती स्टे करती थी और वहाँ से जो भी मतलब सीन था वो होता था, वहाँ से पिक्चर बनवा के आते हैं। तो अभी वो बहुत टाइम से रास्ता आप देख सकते हो खराब है, पिछड़ नहीं सकता, चलने काबिल नहीं है, इस वजह से फिसल के वापस पानी में गिर जाएगा। हाँ, इस वजह से वहाँ पे किश्ती स्टे नहीं करती। अच्छा, यहाँ सिर्फ राउंड अबाउट करके यहाँ पे वापस रुक जाती है। ये रस्सी देखकर, ये देखो ये बाउंड्री देखकर मुझे वो कमांडो गेम याद आ रहा है, उसमें भी इस तरह बोट होता था, बोट में जाके फिर आगे एक बाउंड्री आती थी ना, तो सेम टू सेम वही सीन है। जितना टाइम लेंगे उतना पैसा डबल होगा ना, तो हम लोगों ने 100 रुपये एडवांस में दिए, अभी कोई और पैसे नहीं देंगे। देख सीटियाँ बज रही है कि आ जाओ, लेकिन नहीं जाएंगे। ये देखो हमारे और दोस्त आ गए। हेलो गाइस। अभी देखो स्पीड। मेरे साथ प्रैंक हो गया, मुझे लगता था कि सर रिफर्ट मेरे, लेकिन ये बुशर भाई का था। अभी देखो अभी मैं ऐसे बैठा हूँ ना,
किश्तीबीर भी जा रही है और घुमाना भी मैं कर रहा हूं, सब काम घुमाना सब, तो मैंने मुफ्त में एनर्जी वेस्ट कर दी। उसके बावजूद भी यार मुबशर वाला अब मैं दम में, कहाँ से सीखा है ये बोट आपने? ये मैं बचपन से चलाता आ रहा हूं। अच्छा, अब लोगों के लोरलाई में बहुत पानी है मेरे ख्याल से। मैनेजमेंट विद सेवन अप एंड बी प्लाव। ओ बच्चों खामोश हो जाओ, बच्चों खामोश हो जाओ, सब गा लो। ये है वो मेन बंद जिसकी वजह से ये खूबसूरत झील बना हुआ है। ये लेक दरअसल 1894 में बना हुआ है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 49 फीट है और इसका जो टोटल एरिया है वो 27 एकड़ पर मुश्तमिल। कंस्ट्रक्शन जो है ये ब्रिटिश के दौर में हुआ है, तकरीबन 1894 में हुआ है और अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में है। असल में ये कुदरती झील नहीं है, इसको बनाया गया है। ये एक आप लोग देख सकते हो, ये एक बंद बनाया गया है दो पहाड़ों के दरमियान। ये पानी जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पानी असल में वो जरगुन घर जो है, जरगुन माउंटेन, उस पर बर्फबारी होती है और बारिशें जो होती है उससे जो पानी नीचे की तरफ आता है वो आके यहाँ पे स्टोर होता है। तो इस झील की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 220 मिलियन गैलन है और इस वक्त ये माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ है और पानी का वो जो रिफ्लेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लू कलर है। किंग ट्रेल और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो होगा वो जगह वो नीचे सामने नहीं, वो तो हमारा डेस्टिनेशन वो है ना, वहाँ तक हमें जाना है और फिर वापस नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र आए। हमने जो टूर में जो प्लानिंग किया हुआ था, जो एक्टिविटीज़ हमने करनी थी वो तकरीबन सारे हो गई, बस ये एक हाइकिंग रहता है और भी हम आप देख सकते कि ये अभी वहाँ तक जाना है ऊपर, ऊपर से फिर वापसी पे फिर चाय पार्टी कुछ करेंगे, रिफ्रेशमेंट होगी, उसके बाद फिर वी विल बैक।